बोट ने अपनी नई स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है, बोट स्ट्रॉन्ग प्रो कॉल। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है और बहुत सारे वर्कआउट्स मोड आपको मिल जाते हैं। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो किसी भी स्मार्ट वॉच से, वो सब कुछ आपको बोट के इस नई स्मार्ट वॉच पे मिल जाता है। इसको पिछले 2 से 3 दिनों से मैं कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ, तो आज आपको इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ। सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि बोट के इस नई स्मार्ट वॉच में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बोट स्मार्ट वॉच की। तो बॉक्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग के साथ में आता है। इसको जैसे स्लाइड करते हैं, इसके अंदर में एक और बॉक्स मिलेगा और कुछ इस हिसाब से ये ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको इस स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स और मिलता है, काफी सारा पेपर वर्क मिलता है, एक थैंक यू कार्ड है, वारंटी कार्ड इसमें मिल जाता है, QR कोड, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए एक बोर्ड का स्टीकर मिलता है, टाइप ए टू मैग्नेटिक केबल मिल जाएगी वॉच को चार्ज करने के लिए। बाकी बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से आप स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस को देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लुक्स, डिजाइन और बिल्ड की। तो स्मार्ट वॉच को अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको प्रीमियम लगेगी, क्योंकि इसमें स्क्वायर मेटल फ्रेम मिल जाता है और बैक साइड में प्लास्टिक का यूज किया गया है। इसमें 22mm साइज का सिलिकॉन का स्ट्रैप मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप है, लेकिन आप थर्ड पार्टी स्ट्रैप भी इसमें लगा पाएंगे। राइट हैंड साइड में क्राउन मिल जाता है, जिसको प्रेस करके आप इसके मेनू पर एक्सेस कर सकते हो। तो स्मार्ट वॉच दिखने में जितनी ज्यादा प्रीमियम लगती है, उतनी अच्छी आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है। वैसे इसके जो डिस्प्ले है वो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसमें 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है और 70% RGB कलर गैमेट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जो कलर्स हैं स्मार्ट वॉच में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और शार्प कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो अगर आप कुछ भी स्क्रॉल करते हो तो काफी स्मूथनेस वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। टॉप में 2.5D कर्व ग्लास का यूज किया गया है और इसमें 100+ हाई क्वालिटी के क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं और आप अपनी खुद की इमेज को भी एज अ वॉच फेस इसमें यूज कर सकते हो। ओवरऑल स्मार्ट वॉच की जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी होने वाली है, चाहे आप इसको इंडोर यूज करो या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज करो, विजिबिलिटी का कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी भी मिल जाती है, तो आउटडोर भी इसकी विजिबिलिटी काफी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। तो इतना मैं बोल सकता हूँ कि जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं, टच रिस्पॉन्स काफी सही होने वाला है और जो 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है ये काफी स्मूथ है, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। स्मार्ट वॉच के अंदर में आपको 700+ वर्कआउट्स मोड मिल जाएंगे, तो कोई भी वर्कआउट्स मोड यहाँ पर मिसिंग आपको नहीं मिलेगा, सभी मिलने वाले हैं। काफी लंबे लिस्ट आपको वॉच के अंदर में मिल जाती है, ऑलमोस्ट 30-35 आपको स्मार्ट वॉच में मिल जाएगी। बाकी आप एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हो अगर आपको पार्टिकुलरली कोई वर्कआउट्स मोड की जरूरत हो। यहाँ पर जो एक्यूरेसी वगैरह है काफी सही मिल जाती है, मैंने कुछ वर्कआउट्स मोड को काफी ज्यादा यूज किया है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी अराउंड 85-95% के आसपास देखने को मिल जाती है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसी टाइम पर आप अपने फोन का म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए आपको बैक नहीं होना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं वर्कआउट्स मोड के अंदर में जो काफी अच्छे भी लगते हैं, और जब भी आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी ने इसमें ब्लूटूथ कॉल की फंक्शनलिटी भी देकर रखा हुआ है, तो पर्सनली मैं इसको बहुत ज्यादा यूज किया हूँ, कॉलिंग एक्सपीरियंस मेरा काफी बेटर रहा है। कॉलिंग के अंदर में आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, एक डायलर मिल जाएगा, कोई नंबर यहाँ से आप डायल कर सकते हो, फोन बुक मिल जाएगा जो लगभग आप एप्लीकेशन से 8 से 10 कॉन्टेक्ट यहाँ पर सिंक कर पाओगे और कॉल हिस्ट्री आपको मिल जाती है। तो फटाफट से एक कॉल लगाते हैं, आपको भी बेटर आइडिया लग पाएगा कि कॉलिंग एक्सपीरियंस किस तरह से इसका होने वाला है। बोलें कि मेरी आवाज क्लियर जा रही है? एकदम क्लियर आ रही है भाई। अभी बोट ने एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, बोट लग रहा है कि स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। आपने इसका ब्लूटूथ कॉलिंग टेस्ट एक देखा, आपको बेटर आइडिया लग गया होगा। स्ट्रॉन्ग प्रो कॉल के अंदर में आपको मल्टीपल फिटनेस फीचर्स मिल जाते हैं, हार्ट रेट मिलता है, SpO2 है, स्लीप ट्रैकिंग है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग, ब्रीथ ट्रेनिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, वाटर ड्रिंक रिमाइंडर, पेडोमीटर, इस तरह के आपको मल्टीपल फिटनेस फीचर्स मिल जाते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ में। यहाँ पर मैंने हार्ट रेट और SpO2 को ऑक्सीमीटर के साथ में कंपेयर किया है, तो 85% टू लेके 95% के आसपास एक्यूरेसी मिली है, काफी बार एकदम सेम टू सेम डेटा भी देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप स्लीप डेटा देखते हो तो यहाँ पर आपको डीप स्लीप, लाइट स्लीप, REM, रैपिड आई मूवमेंट भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जो भी फिटनेस फीचर्स मिलते हैं इसकी एक्यूरेसी 85-95% के आसपास देखने को मिल जाती है। स्मार्ट वॉच IP68 रेटिंग के साथ में आती है, मतलब 1.5 मीटर आप इसको पानी के अंदर लेके जा सकते हो, एक्सीडेंटली अगर इसमें पानी गिर जाता है या काफी देर स्मार्ट वॉच भीगी रहती है उस केस में ये खराब नहीं होगी। वैसे अगर UI की बात कर लें तो जैसे आप स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पर आपको क्रिकेट स्कोर मिल जाएगा, बस इसके एप्लीकेशन से आके आपको सेटअप कर लेना होगा। आप लेफ्ट साइड में स्वाइप करो या फिर आप राइट साइड में स्वाइप करो, आपको सेम तरह की विजिट्स देखने को मिल जाती है बहुत सारी। फिजिकल की को जैसे आप प्रेस करते हो इसका मेनू ओपन हो जाता है, मेनू के अंदर में काफी सारे आपको
ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसमें अपने फ़ोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन का म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, वेदर अपडेट मिल जाएगा और आपको AI वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। तो ये क्या करेगा, आपके फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट को जस्ट ट्रिगर कर देगा। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो वॉच फेसेस स्क्रीन टाइम आउट इसमें आपको मिल जाता है मैक्सिमम 20 सेकेंड्स का। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर में दो आपको मिल जाता है, एनालॉग और डिजिटल। इसके अलावा और भी आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स इसके अंदर में देखने को मिल जाती हैं। तो UI काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, किसी तरह का आपको लैग वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलेगा और बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसके सेटिंग में देखने को मिल जाता है। बोट स्ट्रोम प्रो कॉल के अंदर में आपको 7 to 9 days का बैटरी बैकअप मिल जाता है इसे नॉर्मल यूज पे, लेकिन अगर आप AOD यूज करते हो उस केस में आपको 2 दिन के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि फास्ट चार्जिंग को वॉच सपोर्ट करती है, तो अगर आप 30 मिनट इससे चार्ज करते हो तो 0 to 100% ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये काफ़ी सही है, आधे घंटे में पूरी स्मार्ट वॉच चार्ज, कितना भी हैवी यूज करो 3-4 दिन तक बैटरी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। इसका जो एप्लीकेशन है बोट क्रेस्ट है, जैसे आप इसको ओपन करते हो होम स्क्रीन पर आपको डे भर की सारी एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है। अगर आप एक्टिविटी पे क्लिक करते हो तो जो भी वर्कआउट्स मोड है 700+ वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको वॉच फेसेस और बहुत सारी आपको अलग अलग तरह की सेटिंग्स मिल जाती हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो एप्लीकेशन में बहुत सारी डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों कुछ इन्हीं फीचर्स के साथ में आपको बोट स्ट्रोम प्रो कॉल स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाती है, ब्लूटूथ कॉलिंग काफी अच्छे तरीके से काम करती है, आप क्लियरली बात कर पाओगे, जितने भी वर्कआउट्स मोड फिटनेस फीचर्स मिलते हैं इनकी एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है और बहुत ही अच्छा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई कमी नहीं है प्राइस के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसको इंट्रोडक्टरी प्राइस में बाय नहीं करते हो तो इसकी रेगुलर प्राइस 449 यानी कि 4500 रुपए होने वाली है। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप इसको इंट्रोडक्टरी सेल में बाय कर लो, आपके पैसे भी कम लगेंगे और बहुत ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आपका फिर भी कुछ भी क्वेरी है स्मार्ट वॉच से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।